जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप वेब व्यू कंपोनेंट के साथ थंकेबल या एपी बिल्डर में कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो अगर आप कभी भी उसमें एरर आता है, अगर इंटरनेट कनेक्शन बंद होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो हम चाहते हैं कि ये ना शो हो तो उसके बदले हम कुछ अलग से इस तरीके का शो कराना चाहें, तो ये हम किस तरीके से कर पाएंगे आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है वेब व्यू इरो नाम से। अभी हम इस प्रोजेक्ट को एक बार आपको लाइव टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट हो चुका है। अगर इस वेब व्यू में अगर कोई भी लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो हमें ये इरोर मैसेज आएगा। यहाँ से हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं और बैक भी कर सकते हैं। अगर दोबारा हमारा नेट कनेक्शन यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते ही हमारा फिर से जो पेज है लोड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है वेब व्यू का एक लेआउट के अंदर वेब व्यू रखा है और एक पेज के अंदर जो हमारा इरोर पेज है उसको हमने डिज़ाइन करके बनाया है। और इसके लिए हमने दो एक्सटेंशन का यूज़ किया है, एक है नेट कनेक्शन जो नेट कनेक्टिविटी को चेक करेगा और एक है एक्सटेंड वेब व्यू। तो अभी हम चलते हैं अपनी ब्लॉग सेक्शन पर और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा स्क्रीन जो इनिशियलाइज होगा तो हमारे वेब व्यू के अंदर जो यूआरएल है होम यूआरएल हमारा गेट कर लेगा। और ठीक उसी तरीके से हमने जो एरर पेज बनाया है उस एरर पेज का जो डिज़ाइन कलर हमने चूज़ किया है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो उसके साथ ही हमने जो एक्सटेंड वेब व्यू का कंपोनेंट लिया है उस एक्सटेंड वेब व्यू को हमारे वेब व्यू जो कंपोनेंट के साथ जोड़ दिया है। और एक्सटेंड वेब व्यू जो ऑन प्रोग्रेस सेंस होगा, जैसे ही एक्सटेंड वेब व्यू प्रोग्रेस सेंस करेगा तो वो चेक करेगा अगर इंटरनेट कनेक्शन सही है तो हमारा वेब व्यू स्क्रीन मतलब विजिबल रहेगा। जो वेब व्यू स्क्रीन विजिबल के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जो एक लेआउट बनाया हुआ है वेब व्यू का, और इरोर जो इरोर स्क्रीन है उसका हमने अलग से लेआउट बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं वेब व्यू हमारे फोल्डर के अंदर, तो वेब व्यू विजिबिलिटी ट्रू और एरर पेज विजिबिलिटी फॉल्स, और यहाँ पे हमने बनाया है वेब व्यू विजिबिलिटी ट्रू और एरर पेज विजिबिलिटी फॉल्स। तो वेब व्यू जो एरर पेज है एरर पेज के अंदर हमने एक बटन दिया है रिफ्रेश बटन, और जैसे ही रिफ्रेश बटन क्लिक होगा तो हमारा जो करेंट यूआरएल है वेब व्यू का वो करेंट यूआरएल को गेट कर लेगा। और ठीक उसी तरीके से हमने एक बैक बटन भी दिया है, और बैक बटन पे क्लिक करते ही अगर वेब व्यू बैक जा सकता है तो वेब व्यू बैक होगा, अगर नहीं जा सकता है तो वेब व्यू का करंट यूआरएल सेट होगा। ठीक उसी तरीके से हम स्क्रीन बैक को भी हमने सेट कर दिया है, और जो स्क्रीन इरोन जो पेज है उसके लिए जो भी कलर का यूज़ किया हुआ है वो सभी कलर हमने इसमें सेट किया हुआ है, और उन सभी कलर को हमने स्क्रीन इनिशियलाइज में कॉल कर दिया है। तो यही सी एक सिंपल सी वीडियो, इसका ही यूज़ करके आप बढ़िया तरीके से अपने वेब व्यू एप्लीकेशन के साथ कस्टम एरर पेज का डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसका डेमो एआई फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।